गुड मॉर्निंग। आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग के स्पेशल केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग में चार तरह के केस आते हैं, ज़्यादातर यूनिक सॉल्यूशन, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन और इनफिजिबल सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन आप सबको पता ही होगा, जब आप ग्राफिकल मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करते हैं तो किसी एक पॉइंट पे ही वैल्यू जो होती है या तो मैक्सिमाइज आएगी अगर आपको मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम दी होगी, या मिनिमाइज आएगी अगर आपको मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम दी होगी। तो वो पर्टिकुलर एक ही पॉइंट होता है जहां पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम मिलती है, ये यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है। बट कभी कभी कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहां पे आपको यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलता है। जहां पे आपको यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलता है वहां पे इन तीन तरीके के केसेस आ सकते हैं। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चेक करिए तो आपको ग्राफिकल चैप्टर से, लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर से इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। हर साल ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज़रूर पूछा जाता है। इस केस में क्या होता है, आपको इस तरीके का एक कोई क्वेश्चन दिया गया होगा और बोला गया होगा कि इस क्वेश्चन को पहचानी है, ये क्वेश्चन किस उसका केस है, मतलब इसमें किस तरीके का सोल्यूशन आपको मिल रहा है। चार ऑप्शन दिए गए होंगे, तीन ऑप्शन तो ये होंगे, चौथा ऑप्शन एक आपको दे दिया जाएगा यूनिक सोल्यूशन वाला, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन का आपको फाइंड करना है। तो इस लेक्चर में हम लोग ये जो तीन केस हैं, इन तीन केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन चेक करते हैं, हम इसके लिए जा रहे हैं, इसको कैसे चेक करते हैं, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन को कैसे चेक करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, ये है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये है आपके कंस्ट्रेंट ये आपके दिए गए हैं। तो सबसे पहले मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन चेक करने के लिए आपको ये समझना है कि जब भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्लोप, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्लोप किसी कंस्ट्रेंट के स्लोप के बराबर हो, साथ ही साथ वो कंस्ट्रेंट फिजिबल रीजन का एक्टिव मेंबर हो, दोनों चीजें ध्यान दीजिएगा, पहला स्लोप ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्लोप किसी कंस्ट्रेंट के स्लोप के बराबर हो, साथ ही साथ वो कंस्ट्रेंट जो हो जिसका स्लोप बराबर हो रहा है वो फिजिबल रीजन का एक्टिव मेंबर हो, तब आपको मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलते हैं। मतलब एक से ज़्यादा जगहों पे सेम वैल्यू आपको मिलती है। चलिए अब हम ये चेक करते हैं कैसे, जो मैंने आपको पॉइंट बताया। पहला क्वेश्चन चेक करिए, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, 10x1 प्लस 6x2। सबसे पहले तो क्वेश्चन में चेक करिए क्या स्लोप बराबर हो रहे हैं कहीं। तो देखिए इसका स्लोप क्या है, 6/10 या बोला जाए 3/5, डिवाइड कर देंगे ना 6/10 को, 6/10 को डिवाइड करिए क्या आया, 3/5, ठीक है। तो क्या कहीं पे 3/5 मिल रहा है, हाँ आपको देखिए जो आपका कंस्ट्रेंट 1 है वो आपको 3/5 मिल रहा है, मेन आपका स्लोप जो है इसका स्लोप इसके स्लोप के बराबर हो गया, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। लेकिन मैंने क्या बोला, एक कंडीशन नहीं, आपको दोनों कंडीशन चेक करनी है। अब दूसरी कंडीशन चेक करने के लिए कि ये जो कंस्ट्रेंट है ये क्या फिजिबल रीजन का एक्टिव मेंबर है, चलिए हम चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। इसको ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको वैल्यू पुट करनी होती है, सिंपल फॉर्म होता है कि जीरो पुट कर दो। जैसे इस लाइन पे अगर हमें x2 की वैल्यू देखनी है तो क्या है, इस लाइन पे x2 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो यहां जीरो पुट करिए, इसको जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये, तो x1 बराबर आ जाएगा 6, ठीक, पहला पॉइंट, ठीक है। अब हम x1 इस लाइन पे x1 को जीरो रख दीजिए, चलिए जीरो रख दिया, तो x2 हमें कितना मिल जाएगा, ये जीरो हो गया, ये हमें मिल जाएगा 10। तो हमारी जो ये हो जाएगी line 1, साथ ही साथ ये किधर की ओर इंडिकेट करेगी, देखिए वैल्यू जो है वो 30 से कम है, 30 से कम होने का मतलब वो 30 से नीचे आ रहा है, नीचे आने का मतलब वो जीरो की तरफ आ रहा है। मींस इस ग्राफ को हम, इस लाइन को हम इस तरीके से इंडिकेट करेंगे, ये ओरिजिन की तरफ आ रहा है। सेकंड, x1 और x2, इसमें x2 की वैल्यू जीरो रखी, x2 की वैल्यू जीरो रखी तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 18।
फिर x1 की वैल्यू 0 रखी तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो आपका ये आ गया। और ये भी देखिए 18 से कम है, मतलब ये भी नीचे आ रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में क्या है। और देखिए और थर्ड कंस्ट्रेंट क्या है कि x1 और x2 की वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो मतलब नेगेटिव पोर्शन तो कहीं का भी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब आप देखिए फिजिबल रीजन चेक करिए, फिजिबल रीजन हम जब चेक करेंगे तो हमें फिजिबल रीजन कहां मिलेगा, जरा देखिए फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन बोल रहा है इस लाइन के भी नीचे हो और इस लाइन के भी नीचे हो, तो एक ऐसा रीजन, फिजिबल रीजन क्या होता है, एक ऐसा रीजन जो सारे कंस्टेंट को सेटिस्फाई करे। अगर हम ये रीजन लेंगे तो ये वाला पॉइंट मिस हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम सिर्फ जैसे फिलहाल तो मैं सीधे पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ, ये रहा आपका फिजिबल रीजन जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करे। देखिए ये रीजन जो है इस लाइन के नीचे है, ठीक है, इस लाइन के भी नीचे है, ठीक है, लेकिन जो ये रीजन है वो इस लाइन के तो नीचे आ रहा है लेकिन इस लाइन के नीचे नहीं आ रहा, ये तो ऊपर निकल रहा है, तो एक तरीके से फिजिबल रीजन आपका ये आ गया। और इसके सारे पॉइंट्स आप डॉट कर लीजिए जहां जहां भी आपको पॉइंट मिल रहे हैं, इस रीजन को ये चार पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, इस पॉइंट की वैल्यू क्या है वो तो आपको देख के समझ आ गई, 0.0। इस पॉइंट की वैल्यू क्या है 6.0। इस पॉइंट की वैल्यू क्या है 0.9। इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, मैं देख के लिख दे रहा हूँ आपको सीधे, इस पॉइंट की वैल्यू 6/7, 60/7, ठीक। यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू ये है, ठीक है। इस तरीके से मैंने चारों पॉइंट की वैल्यू निकाल दी। अब इन पॉइंट्स को जब हम रखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, z की वैल्यू मैक्सिमम कितनी मिलेगी, 6। तो जब 6, 0 रखेंगे तब z की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है, ये 0.4 है, तो z1 की वैल्यू जब हम रखेंगे 6.0, तो यहां 6 रखेंगे यहां 0 रखेंगे तो कितनी आ जाएगी 60। z2 की वैल्यू सीधे 0 आ जाएगी क्योंकि देखिए ना 0.0 तो 0, 0। z3 की वैल्यू 0.9, तो यहां 0 रखा यहां 9 रखा तो कितनी आ गई 54, यहां 0 रखा यहां 9 रखा। और जब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 10 × 6/7 + 6 × 60/7, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 60। आप जहां पे देख रहे हैं कि ये 2 की वैल्यू इक्वल आ गई, ठीक है। अब 2 की वैल्यू इक्वल आ गई। अब दूसरी चीज देखिए कि स्लोप किसका मैच कर रहा था, हमने जो दूसरी कंडीशन बताई थी कि वो एक्टिव मेंबर हो। देखिए स्लोप जो है लाइन वन का, लाइन वन कौन सी है, ये रही, ये जो लाइन वन है, ये जो लाइन वन है वो फिजिबल रीजन की एक्टिव मेंबर है कि नहीं, ये लाइन डायरेक्टली इसकी टच में है, तो ये हो गई फिजिबल रीजन की एक्टिव मेंबर। मतलब कंडीशन जो दूसरी है वो भी सेटिस्फाई हो गई, कंडीशन फर्स्ट भी सेटिस्फाई। कंडीशन फर्स्ट स्लोप बराबर होना चाहिए, कंडीशन सेकंड जो स्लोप जिस कंस्टेंट का बराबर हो रहा है वो फिजिबल रीजन का एक्टिव मेंबर होना चाहिए। अब यही क्वेश्चन अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से होता कि इसमें तीसरी कंडीशन भी होती, मान लीजिए एक और इक्वेशन लिखी होती और इसकी जगह इसका स्लोप इससे बराबर हो गया होता, मेरी बात समझिए, इसका स्लोप जो है इसके स्लोप के बराबर हो गया होता, लेकिन ये जो लाइन होती वो ऐसी होती, फिजिबल रीजन यहां है, ये लाइन यहां है जिसका स्लोप बराबर आ रहा है, देखिए ये लाइन यहां है, फिजिबल रीजन यहां है, फिजिबल रीजन से इसका कोई मतलब नहीं है, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है और सिर्फ इसी लाइन का स्लोप ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बराबर हो रहा है, तो ये आपका मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन का केस नहीं होता अगर ये केस होता, लेकिन यहां देखिए ये इससे टच कर रहा है, मतलब एक्टिव मेंबर ऑफ फिजिबल रीजन, एक्टिव मेंबर ऑफ फिजिबल रीजन, तो इसलिए ये मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन का केस हो जाएगा,
ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट अब हम अनबाउंडेड सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे अनबाउंडेड सॉल्यूशन आता है। ये रहा आपका सीधे क्वेश्चन, मैक्सिमाइज जेड 3x1 प्लस 2x2, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। कंस्ट्रेंट है आपका x1 माइनस 2 माइनस x2 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 1। दूसरा है x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 एंड x1 एंड x2 इज लेस ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। ठीक है, इस कंस्ट्रेंट को हम सीधे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। x1 और x2, यहाँ पे x2 को 0 रखते हैं, इस लाइन पे x2 0 होती है। x2 को 0 रखा तो x1 की वैल्यू आ गई 1। ठीक, अब यहाँ पे हमने इसी लाइन में x1 की वैल्यू 0 पुट करी तो x2 की वैल्यू आ गई -1। देखिए ना, x1 माइनस x2 है, या इसको हम बराबर लेके सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन है, इसमें हम इसकी वैल्यू 0 पुट कर दे रहे हैं तो x2 इज इक्वल टू ये, या x2 इज इक्वल टू -1। तो -1 कहाँ होता है, कुछ इस जगह, ये रही -1, ये लाइन हो गई। तो आपकी जो पहली लाइन ड्रॉ हुई वो कुछ इस तरीके से हुई, ये आपकी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन x1 प्लस x2 इज इक्वल इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 3, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको क्या करेंगे, इसको बराबर लेके सॉल्व करेंगे। तो एक बार हम x2 की वैल्यू 0 रख दें, तो x2 की वैल्यू 0 रखी तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, और एक बार x1 की वैल्यू को 0 रखेंगे तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये दोनों इक्वेशन आ गई। और तीसरी आपका कंसर्न है कि 0 से ऊपर ही है, तो मतलब ये जो केस है ये इसके इधर ही होगा, यही पॉजिटिव रीजन होता है ना, तो पॉजिटिव रीजन में होगा। दूसरी चीज, x1 और x2 जो है एक से बड़ा है, मतलब ये 0 की तरफ नहीं, 0 से दूर जा रहा है, मतलब ये ओरिजिन से दूर जा रहा है, ये ओरिजिन से दूर जा रहा है। और सेकंड वाला भी 3 से ज़्यादा है, मतलब ओरिजिन से दूर जा रहा है। तो अब जरा यहाँ पर रीज़न देखिए, ऐसा रीज़न, फिजिबल रीज़न हमें यहाँ फाइंड करना है, एक ऐसा रीज़न जो कि इन दोनों कंस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए ना, इससे भी ऊपर है, इससे भी ऊपर है, और ये रीजन जो होगा वो सेटिस्फाई कर रहा है। केस किसका है, मैक्सिमाइज का। केस किसका है, मैक्सिमाइज का। अब जरा देखिए, क्या ये जो रीजन है ये कहीं पे बंद हो रहा है, कहीं पे आपको लिमिट दिखा रहा है कि नहीं, बस इतनी ही लिमिट है। अगर हम यहाँ पे आपसे बोल दें कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो, तो भाई यहाँ पे तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप पूरा अनंत तक जा सकते हैं एक तरीके से, आप एकदम ऊपर चले जाइए। आपको पूरा रीजन जब बंद ही नहीं है, अनबाउंडेड ही नहीं है, तो ये आप कहीं भी जाइए आपको कोई रीजन ही नहीं मिलेगा जहां पे आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर मिनिमम का केस होता, ये मिनिमम का केस होता तो आपको यहां पे मिल जाता, लेकिन जब आपको मैक्सिमाइज का केस है और देखिए पूरा फिजिबल रीजन जो है वो खुला हुआ है और पूरा इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो आपको कोई रीजन एक पॉइंट कहीं मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए जो केस होता है, ये केस होता है अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे आपको फिजिबल रीजन मिलता है बट उसकी लिमिट नहीं मिलती है। ठीक है, नाउ इन आवर लास्ट केस, इनफिजिबल सॉल्यूशन। इनफिजिबल सॉल्यूशन में आपको कोई भी फिजिबल एरिया ही नहीं मिलता है, जैसे कि मैंने आपको मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन में एक फिजिबल एरिया दिखाया था। ठीक, अनबाउंडेड सॉल्यूशन में भी मैंने आपको फिजिबल रीजन दिखाया था। फिजिबल रीजन क्या होता है, एक ऐसा रीजन जो सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे, वो होता है फिजिबल रीजन। अब हम आते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल में, मैक्सिमाइज ऑफ जेड 6x1 माइनस 4x2, कंस्ट्रेंट है दिस। सीधे सीधे हम कंस्ट्रेंट को ड्रॉ करते हैं, 2x1 प्लस 4x2 इज लेस देन 4। ठीक है, तो अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं, x2 की वैल्यू 0 रखी तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये 0 रखा तो x1 की वैल्यू आ गई 2। x1 की वैल्यू 0 रखी तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई 1।
इसका डायरेक्शन किधर होगा? ये चार से कम है, चार से कम मतलब जीरो की तरफ जा रहा है नीचे। दूसरी इक्वेशन सॉल्व ड्रॉ करते हैं, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, 4x1 plus 8x2 is equal to 16, तो x2 की वैल्यू जीरो रखी तो x1 की वैल्यू कितनी आई? x1 की वैल्यू आई 4, इधर गया डिवाइड हुआ 4। x1 is equal to जीरो रखा, इस लाइन पे x1 जीरो रखा तो ये पूरा पोर्शन जीरो हो गया, तो x2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। ठीक, ये हो गया। इसका डायरेक्शन किधर है? ये 16 से ज्यादा है, मतलब ये जीरो से दूर जा रहा है, मतलब ओरिजिन से दूर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। ठीक, और x1 और x2 जीरो से बड़े, मतलब पॉजिटिव रीजन का ही केस है। तो जरा अब इसमें देखिए, ये लाइन शो कर रही है ऊपर ये एरिया, ये लाइन शो कर रही है ये एरिया, तो एक कोई ऐसा रीजन बताओ जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो। ऐसा कोई रीजन आपको मिल रहा है? अगर ये रीजन की बात करेंगे तो इस ये रीजन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लाइन कह रही है कि रीजन जो हो ऊपर ही रहना चाहिए। ठीक है, तो और अगर हम ये रीजन सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये वाली लाइन सेटिस्फाई नहीं हो रही, कह रही है रीजन जो हो वो हमसे नीचे ही हो। तो इस केस में, जो कि इनफिजिबल सोल्यूशन का केस होता है, इसमें आपको कोई एरिया ही फिजिबल नहीं मिलता है तो सोल्यूशन पॉसिबल होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहां मैंने आपको तीनों केस समझा दिए हैं। तीनों केस क्या होता है, अगर आप एक जल्दी से रीकैप देखना चाहें रिवीजन के तौर पे, तो रिवीजन के तौर पे मैं आपको एक ही बात बता दूं, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन में आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्लोप आपके किसी एक कंस्ट्रेंट के स्लोप के बराबर होगा, साथ ही साथ उसी कंस्ट्रेंट जिसका स्लोप बराबर है वो फिजिबल रीजन का एक्टिव मेंबर होना चाहिए, तब आपका मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनेगा। मेरी बात ध्यान से देखिएगा, इनमें से इन दोनों पॉइंट्स में से भी एक भी पॉइंट मिस हुआ तो वो आपका मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्लोप आपके कंस्ट्रेंट के स्लोप के बराबर हो, साथ ही साथ वही कंस्ट्रेंट आपका एक्टिव मेंबर हो फिजिबल रीजन का, ठीक, तब मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अनबाउंडेड सॉल्यूशन में आपको फिजिबल रीजन तो मिलता है पर वो बाउंडेड नहीं होता, मतलब एक बाउंड्री नहीं होती उसकी, वो इनफाइनाइट तक जा सकता है, तो आपको वो पर्टिकुलर पॉइंट ही नहीं मिलेगा जहां पे आपको रुकना है। ठीक है, इस तरीके से वो अनबाउंडेड सॉल्यूशन होता है। थर्ड आता है इनफिजिबल सॉल्यूशन। इनफिजिबल सॉल्यूशन में आपको कोई भी एक कॉमन रीजन ही नहीं मिलता है, फिजिबल रीजन ही नहीं मिलता है जो आपके सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ये तीनों आपके केस हो गए हैं।